अपने परिवार के साथ जीत की ट्रॉफी के साथ नजर आ रहा है बच्चा कोई साधारण बालक नहीं है। दिल्ली के रोहिणी के निजी स्कूल में पढ़ने वाले 11 साल के इस बच्चे ने यूसी मास एबाकस एंड मेंटल अर्थमेटिक इंटरनेशनल कंपटीशन में दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया है। कोलंबो में आयोजित हुए यूसी मास एबाकस कंपटीशन में दुनिया भर के करीब 87 देशों के हजारों बच्चों को पछाड़ कर दिगंत जैन नाम के इस छात्र ने महज 7 मिनट 30 सेकंड में करीब 200 सवालों के सही जवाब देकर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। दिगंत जैन का कहना है कि इस प्रतियोगिता में गणित के 200 कठिन सवालों को मात्र 8 मिनट में हल करने का टारगेट मिला था और इन्होंने महज 7 मिनट 30 सेकंड में इस कंपटीशन को जीत लिया। मैं बहुत खुश था कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था, कि मुझे चांस मिला मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर पाऊँ। मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी डेली, बहुत सारी शीट्स, मतलब एक दिन में थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस कर रहा था मैं। और वहाँ पर जाके मैं, जब मेरी पूरी शीट खत्म हुई 8 मिनट्स में सॉल्व हुई, तो मेरे को एक बार बहुत सेटिस्फिकेशन मिली कि मैं ये अचीवमेंट कर पाया। और अगले दिन जब रिजल्ट आया और जब मुझे पता चला ग्रैंड चैंपियन बना, बहुत खुश था मैं। अच्छा, जैसे बताया जा रहा है आपको 8 मिनट में 200 क्वेश्चन थे वो सॉल्व करने थे, कितनी देर में आपने कर दिए? 8 मिनट से पहले हो गए थे सॉल्व। अपने बच्चे की कामयाबी पर परिवार वाले भी बेहद गदगद हैं। इनकी माने तो उनका बच्चा पहले भी कई स्टेट लेवल प्रतियोगिता जीत चुका था, लेकिन ये बच्चा इस कंपटीशन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देगा, ये वाकई हैरान करने वाला है। ये मेरे लिए एक बहुत गर्व की बात है कि मेरा बेटा ओवरसीज जाकर, आउट ऑफ इंडिया जाकर पूरे वर्ल्ड के अंदर ग्रैंड चैंपियन बना। और नेचुरल सी बात है कि जिसका बेटा ग्रैंड चैंपियन बने उसकी खुशी तो आप समझ ही सकते हैं। बहुत अच्छा उसने परफॉर्म किया, उसके लिए उसने बहुत कड़ी मेहनत की और वो सक्सेस हुआ। वैसे कहते हैं कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती और दिल्ली के 11 साल के इस मासूम ने साबित भी कर दिया। कोलंबो में आयोजित हुए इस कंपटीशन में जहां कई संपन्न देशों के छात्रों ने भाग लिया, वहीं हिंदुस्तान के इस लाल ने जीत दर्ज कर पूरी दुनिया में भारत का लोहा मनवा दिया। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए अनिल अत्री की रिपोर्ट।